मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार दोपहर सरायकेला जिला के कांडरा स्थित एसकेजी मैदान में इंडिया महागठबंधन के झामुमो प्रत्याशी गणेश महाली के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। इससे पूर्व मुख्यमंत्री सभा स्थल के बगल में बनी अस्थाई हेलीपैड में उतरे और वहां पे मुख्यमंत्री के एक झलक पाने को लोग आतुर दिखे। वहीं मंच पर पहुंचते ही प्रत्याशी गणेश महाली समेत गठबंधन के नेताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। वहीं आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए 5 साल की उपलब्धियों को गिनाते हुए बिजली बिल, किसानों के लिए ऋण माफी और महिलाओं के लिए मैया समान योजना के कार्य कर रही योजनाओं के बारे में बताया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गणेश महाली के पक्ष में समर्थन करने के लोगों के लिए और मतदान करने की अपील की है। इस दौरान भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा गया। दुख दर्द को हम लोगों ने समझाया, अपने कंधों में उठाया, आपके बोझ को हमने अपने कंधों में उठाया है। आज इस रात का गरीब गुरुआ गांव देहात बाजार का लोग, जितना भी लोग है, इन सब लोगों का 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000, 2,00,000 का बिजली का बिल हमने माफ कर दिया है। बिजली का बिल माफ हुआ कि नहीं हुआ हमें पता है। कई लोग बिजली का बिल देते देते महिला लोग को गाना बेचना पड़ता था, मोटरसाइकिल गाड़ी गिरवी रखना पड़ता था, लेकिन अब बिजली 24 घंटा आएगा लेकिन बिजली का बिल कभी नहीं आएगा। ये हम आपके वादा करते हैं। आज उसी क्रम में हमारे राज्य में महिलाएं हमेशा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती है। चुनाव में भी महिलाओं की संख्या सबसे अधिक हो रही है, पुरुषों से भी अधिक। तो हमने कहा इन महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करेंगे और इसी के लिए हमने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना लाया है। और आज उसके तहत कई महीनों से हर महिला के खाता में 1,000 रुपए जा रहा है। महिलाएं बताएं, 1,000 रुपए जा रहा है कि नहीं जा रहा है? यहां बेटा बसवा। और हमारा संकल्प है कि हम फिर से हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं और हमने ये संकल्प लिया है कि अगले 5 साल के अंदर इस राज्य के गरीब गुरुआ लोगों के महिलाओं के खाते में 1,00,000 रुपया पहुंचाने का हम आपको वादा करते हैं।